Good morning, students. This is 4th grade English book. Today we do lesson number 3, The Prince and the Snake. Take out your book, open page number 14. So, aaj hum lesson 3 karenge English ka about the chapter. This chapter is about a story of a young prince who was very weak. Ye ek story hai ek raja ki jo ki young tha. Young means jawan tha, lekin bahut weak tha, kamzor tha. But his wife helped him to recover healthy and then. लेकिन उसने उसकी वाइफ से हेल्प ली और वो ठीक हो गया. Once there was a king named Ashoka. एक किंग हुआ करता था जिसका नाम था अशोका. He had a son. उसका एक बेटा था. His name was Devdutt. उसका नेम देवदत्त था. Devdutt was very lean and weak day by day. देवदत्त पतला और कमज़ोर होता जा रहा था रोज़. The king himself was sad. राजा बहुत उदास था. And worried to see the condition of his only son. और अपने इकलौते बेटे की कंडीशन को देखकर worried था. Worried means घबराया हुआ. His father called well-known physicians far from places, but they could not cure him. उसने दूर दूर से, far off होता है दूर दूर से, physician को बुलाया, जो doctor होते थे उस time पे. They tried all sorts of treatment, but all in vain. उन्होंने सब कुछ try किया, हर तरह की दवाई दी, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ. वेन यानी कि वेस्ट गया. द प्रिंस वॉज ऑल्सो अपसेट टू सी हिज फादर. प्रिंस भी अपने पिता को देखकर अपसेट था. अपसेट मीन्स परेशान था. ही वॉज फेड अप विद हिज लाइफ. वह अपनी ज़िंदगी से हार चुका था. द प्रिंस थॉट. प्रिंस ने सोचा, इट इज़ बिकॉज ऑफ मी दैट माई फादर वरीड. मेरे पिताजी मेरे कारण दुखी रहते हैं. One night he left the palace, went to another kingdom. एक रात वह अपना घर छोड़कर दूसरे साम्राज्य में चला गया. He started living in a temple and ate from whatever alms he collected from kind people. वह एक मंदिर में रहने लग गया और जो भी लोग उसे दे जाते वह उसे खा लेता. This new country was ruled by a king who had two young daughters. इस देश में एक राजा था जिसकी दो बेटियां थी. They were raised with the best of learning. उन्हें सब कुछ सिखाया गया था दोनों लड़कियों को. एवरी मॉर्निंग दे वुड बो एट देयर फादर्स फीट टू सी हिज ब्लेसिंग्स. वो दोनों गर्ल्स दोनों लड़कियां अपने पिताजी को सुबह माथा टेकती थी. वन ऑफ द डॉटर सेड. एक डॉटर ने कहा, ओ पिताजी, इस दुनिया के सारी खुशियां आपके ऊपर हों, आपकी ब्लेसिंग से. और दूसरी डॉटर ने क्या कहा, ए महाराजा, हर कोई अपने किए गए काम का ही फल पाता है. जो कमेंट्स थे उन सेकंड डॉटर के, उससे दूसरे राजा को बहुत गुस्सा आ गया. एक दिन उसने बुला लिया मिनिस्टर्स को. लेट हर एन्जॉय द फ्रूट्स दैट आर मेंट फॉर हर एक्शंस. तो क्या कहा कि उन्हें वो फ्रूट्स एन्जॉय करने दो जो उनके एक्शंस के लिए बने हैं. टेक हर एंड मैरी हर ऑफ टू एनीबडी यू मीट आउटसाइड द पैलेस. उसे ले जाओ और पैलेस के बाहर लेकर उसको जो मिलता है उसके साथ उसकी शादी कर दो. मिनिस्टर्स ने ऐसा ही किया. वो उसको जब दूसरी बेटी की बात पसंद नहीं आई तो राजा ने कहा कि दूसरी बेटी को पैलेस से बाहर कर दो, घर से बाहर कर दो, और जो लड़का मिले उससे शादी कर दो. तो मिनिस्टर्स को कोई मिला नहीं. फिर उन्होंने देखा कि टेम्पल में एक जवान लड़का बैठा है और उन दोनों की शादी करवा दी. जो लड़का टेम्पल में रहता था वो कौन था, वो प्रिंस था. प्रिंसेस जो थी वो रिलीजियस थी, वो भगवान को मानती थी और उसने अपने हस्बैंड को अपना गॉड माना. वो बहुत खुश थी मैरिज से. उन्होंने ट्रैवल किया अलग पार्ट में कंट्री के, वो घूमने चले गए क्योंकि वो टेंपल में अपना घर नहीं बसा सकते थे, तो वो दूसरी जगह चले गए. ऑन द वे जाते हुए प्रिंस थक गया और वो पेड़ के नीचे आराम करना चाहता था. वो रोज़ वीक होता जा रहा था इसलिए अब वो ज़्यादा देर नहीं चल सकता था. प्रिंसेस ने डिसाइड किया कि उसके लिए कुछ खाना खरीदे. जब वो वापस आई उसने देखा उसका हस्बैंड सो चुका है. एस्लीप, एस्लीप का मीनिंग होता है सो गया. और एक स्नेक, स्नेक कमिंग फ्रॉम एन एंट हिल नियर बाय. स्नेक आ रहा था उसके पास, कहाँ से, एक पहाड़ी से. जब वो हिट को स्नेक करने लगी उसने देखा एक और स्नेक उसके हस्बैंड के माउथ के अंदर से निकल रहा है. वो अपने आप को छुपा ली और पेड़ के पीछे छुप गई. जो स्नेक आ रहा था उसने दूसरे स्नेक को कहा कि तुम इस प्यारे प्रिंस को क्यों तंग कर रहे हो, तुम अपनी ही जान को खतरे में डाल रहे हो.
अगर इस राजे ने, इस प्रिंस ने ड्रिंक किया है सूप क्यूमिन सीड्स और मस्टर्ड का तो तुम मर जाओगे। जीरे और सरसों का अगर इसने सूप पिया है तो तुम मर जाओगे। जो स्नेक प्रिंस के माउथ में था उसने कहा, व्हाई डू यू गॉट टू पॉट्स ऑफ गोल्ड विच यू डू नॉट हैव एनी नीड ऑफ, कि तुम उन दोनों पॉट्स को की रक्षा क्यों करते हो जब तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है, तुम भी अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो। अगर किसी ने गर्म पानी और तेल डाल दिया तो तुम भी मर जाओगे। जब उनकी बहस हुई, आर्ग्यूमेंट हुआ, दे वेंट इनसाइड देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस, वो अपने घर के अंदर चले गए स्नेक्स। लेकिन प्रिंसेस को अब उनकी सीक्रेट पता चल गई क्योंकि प्रिंसेस ने उनकी बातें सुन ली स्नेक्स की। शी एक्टेड अकॉर्डिंगली एंड फेड हर हस्बैंड इज अ सूप ऑफ क्यूमिन सीड्स एंड मस्टर्ड। अब उसने क्या किया, अपने हस्बैंड को क्यूमिन सीड और मस्टर्ड का सूप पिलाया। विद इन आवर्स द यंग प्रिंस बिगैन टू रिकवर एंड रीगेंड माई स्ट्रेंथ, कुछ घंटों में जो यंग प्रिंस था वो ठीक हो गया और उसको ताकत आ गई। आफ्टर दैट दे पोर्ड हॉट वाटर एंड ऑयल ऑन द एंट हिल, फिर उसने उन मटकों में गर्म पानी और तेल डाल दिया और उसे किसमें, जहाँ पे स्नेक जिसको गार्ड कर रहा था, स्नेक जिसकी रक्षा कर रहा था, उस पॉट में। अब यंग प्रिंस रिकवर हो गया और वो दोनों पॉट्स जो गोल्ड के थे वो भर गए, क्योंकि जैसे ही उसमें गर्म पानी और तेल डालना था तो क्या होता है, वहाँ सोना बन जाता था। तो वो अब खुशी खुशी रहने लग गए, यानी कि अब वो ठीक भी हो गया और उनके पास गोल्ड भी आ गया, वो अमीर भी बन गए, तो अब वो दोनों खुशी खुशी रहने लग गए। द वाइज इंडीड से, तो समझदार व्यक्ति ने सच ही कहा है, इंडीड मीन सच। व्हेन योर एनिमीज क्वारल यू आर द विनर, जब आपके दुश्मन लड़ते हैं तो आप जीतते हो। एनिमीज होते हैं दुश्मन, क्वारल मीन्स लड़ना। सो इसके वर्ड मीनिंग्स करेंगे, लीन, लीन मीन्स बेंड, झुकना। वेन यानी यूजलेस, जो वेस्ट हो गया। समंड यानी टू ऑर्डर, बुलाना। एंट हिल यानी हाउस ऑफ स्नेक, जहाँ स्नेक रहता है उसे कहते हैं एंट हिल। गार्ड यानी प्रोटेक्ट। ओके, सो इसके ट्रू फॉल्स, यंग प्रिंस स्टार्टेड लिविंग इन अ टेम्पल, यंग प्रिंस टेम्पल में रहने लग गया, ट्रू। कमेंट्स ऑफ द सेकेंड डॉटर मेड द यंग प्रिंस वेरी एंग्री, सेकेंड डॉटर के कमेंट से यंग प्रिंस एंग्री हो गया, ट्रू। यंग प्रिंस एंग्री नहीं हुआ था, कौन एंग्री हुआ था, उसके पापा, तो ये फॉल्स आएगा। मिनिस्टर सॉ द यंग प्रिंस हु वॉज लिविंग इन द पैलेस, नहीं, मिनिस्टर्स ने यंग प्रिंस को देखा जो पैलेस में नहीं टेम्पल में रह रहा था, तो ये फॉल्स आएगा। प्रिंसेस वॉज ए रिलीजियस गर्ल, प्रिंसेस एक रिलीजियस गर्ल थी, येस ट्रू। यंग प्रिंस एंड वाइफ डिवाइड टू ट्रांसफर कंट्री, तो यंग प्रिंस उसकी वाइफ ने क्या डिसाइड किया, दूसरी जगह जाने का, ट्रू। सो फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे, प्रिंसेस कंसिडर्ड हर मैरिज एज हर गॉड डॉग, फर्स्ट का आएगा हस्बैंड, अपने हस्बैंड को गॉड मानती थी, सेकंड का वेरी हैप्पी विद द मैरिज, सेकंड का आएगा मैरिज। थर्ड, प्रिंसेस डिसाइडेड टू बाय सम फूड फ्रॉम ए नियर बाय मार्केट, मार्केट से फूड खरीदना। प्रिंसेस ने अपने हस्बैंड को क्या खिलाया, सूप, फोर्थ में आएगा सूप। प्रिंसेस हैड ऑलरेडी नोन द सीक्रेट्स, प्रिंसेस को अब सीक्रेट्स पता थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। क्वेश्चन आंसर इसको आपके सेंड कर देंगे, अब आप ये बुक वर्क कंप्लीट कर लो एंड आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो पेंडिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन आंसर्स, ये हम सेंड कर देंगे।